सवाल है अपने पास एप्पल इंडिया के बारे में। एप्पल इंडिया मतलब नाम ऐसा है ना, कहने से ऐसा लगता है जैसे हम एप्पल इंडिया की बात कर रहे हैं। अच्छा, इनका सवाल ये है, दहिया जी का, दीपक सिंह दहिया जी बहादुरगढ़ से पूछ रहे हैं कि अभी इसमें और खरीदारी कर सकते हैं क्या? पुरानी खरीद इनकी जो है वो 1092 की है, मोटे तौर पे 1100 मान लीजिए। हाँ तो दहिया सर, इसमें आप, मेरा अंदाजा ये है कि अगर इतना सब कुछ करके आया है तो जिसको 1020 ये सब रेंज होना नहीं चाहिए, तो आप मैक्सिमम फैक्टर करें तो 1000 रुपये, दैट्स ऑल। अच्छा, इंटरेस्टिंगली मतलब जो आज का इसका बन भाव है और जो इनका एवरेज प्राइस ये बता रहे हैं, दोनों एक ही है। वो भी बात सही है और वही रेजिस्टेंस भी है, वो एग्जैक्ट आज का हाई रेसिस्टेंस भी है, तो इसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो शायद फिर थोड़ा और ऊपर पड़ेगा और 1000 इसका रॉक बॉटम सपोर्ट हो जाएगा। मेरे हिसाब से 1000 खरीदा है तो थोड़ा तो जिंदगी में रिस्क लेना ही पड़ेगा, तो 1000 का लेवल आप ध्यान में रख लीजिए। मेरा ऐसा मानना है कि 1000 ठीक है तो ठीक है, अगर 1000 छूटा तो दिक्कत, कोई कट ऑफ होना चाहिए मेरे अंदाजे से। जी, ये 1000 क्या साइकोलॉजिकल पॉइंट से आ रहा है? थोड़ा सा मेरा मॉडल फिल्टर कर रहा है इस चीज को, क्योंकि यहाँ पे जी, बहुत क्लियर चार्ट नहीं है ना। लेकिन ऊपर से जो ये काफी मतलब गिरा था और उसके बाद बहुत एक बड़ा सपोर्ट बना था 870 के आसपास, वहां से ये वापस संभलने की प्रक्रिया के बीच में है। तो यहाँ पर कहीं एक आगे कोई थोड़े समय के लिए करेक्शन बनता हुआ दिख रहा है, या जो एक वापसी हो रही थी किसी तरह का एक डब्ल्यू स्ट्रक्चर बनेगा कुछ भविष्य में, उस तरह की बात सोच सकते हैं? सोच सकते हैं एज लॉन्ग एज इनका ये ग्रोथ मेंटेन्ड है, इनको इतना हाई वैल्यूएशन इसलिए मिल रहा है कि ये ग्रोथ अच्छा दे रहे हैं। अगर इसको मेंटेन कर सकते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं मेंटेन कर पाएंगे तो दिक्कत है। मतलब लेकिन 57 का एनुअल पी भी बेसिस, तो इसीलिए मिल रहा है ना। हाँ बस वही कह रहा हूँ मैं कि अगर एनुअल बेसिस पे ये 30-40% का ग्रोथ अगर निकाल कर ले आते हैं, 40-50% के ऊपर का, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेनली वैल्यूएशन ग्रोथ के लिए ही मिल रहा है। जी, लेकिन अब ये देखिए ना, अभी पिछली बार उन्होंने 66 करोड़ रुपए का मुनाफा दिया है, तो ये 60 से 70 के बीच में कब से चल रहे हैं? दिसंबर 2021 से तब से चल रहे हैं। मतलब 60 से 70 के बीच में इनका बीच बीच में एक दो बार डिप भी हुआ, 60 के नीचे भी गया, लेकिन 70 के ऊपर नहीं गया। तो मतलब बॉटम लाइन में कहीं पर आपको स्टैग्नेशन नहीं लग रहा है? बॉटम लाइन में आपको थोड़ी दिक्कत इसलिए दिख रही है कि इनके मार्जिन श्रिंक होते जा रहे हैं और इसके कारण वो ये कॉन्ट्रैक्शन। समस्या है देखिए, ना, फिर वो भी तब जब वैल्यूएशन बढ़ा हुआ है। समस्या तो ऐसा है कि टेक्नोलॉजी कंपनी के अब मार्जिन स्टेबलाइज हो जाने चाहिए, मेरा ऐसा अंदाजा है। तो यहाँ से मार्जिन में और खराबी नहीं होगी, मे बी मार्केट वो फैक्टर करना चाह रहा है, बिकॉज इसका मार्जिन 2 क्वार्टर से 19% के नीचे जा नहीं रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है मार्जिन स्टेबलाइजेशन हो गया है और यहाँ से हो सकता है एक्सपेंशन हो, जिसको वैल्यूएशन में बेकिंग करना पड़ेगा बाद, तो वो इसके फेवर में जा रहा है। तो अगर 40% के आसपास का एनुअल ग्रोथ मिलता है और मार्जिन मेंटेन या एक आध परसेंटेज पॉइंट ऊपर मिल जाता है तो इनके फेवर में जाएगी। जी, तो इनके बारे में एक चीज़ तो है कि इन्होंने अगर पुरानी खरीद है वो भी 1092 का औसत भाव है, तो मतलब ये इसमें निवेश के नज़रिए से ही सोच रहे हैं। तो उस लिहाज से क्या मतलब वो जो 1000 वाली बात है उसको वो गांठ बांध ले कि 1000 के नीचे जाने का मतलब है कि कुछ दिक्कत बन रही है, और फिर अपने इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करें? ये 1000 के नीचे क्या है, 10% की दिक्कत वाली बात तो बन सकती है, तो अगर उनको 10% चलेगा तो उनका अपना फैसला है, लेकिन मैं तो जो तेरी कहती है वही काम करता हूँ। 1000 के अगर ये स्ट्रेंथ आया है इतने समय के बाद, तो अब 1000 के नीचे क्लोज क्यों होना चाहिए। जी, तो मोटे तौर पे आप देख लीजिए दहिया जी, 1000 पे नज़र रखिए, याद रखने में भी आसान आंकड़ा है। तो उसके नीचे गया तो आपको वापस रिव्यू करना पड़ेगा और कहीं पे रिस्क मैनेज करने की ज़रूरत आपको लगेगी वहाँ पे, और नहीं तो फिर बने रहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है।